के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आईपीएल सीजन 13 की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में हो चुकी है, जिसका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। नतीजा चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल करी। वहीं दूसरा मैच रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब के खिलाफ सुपर ओवर में रोमांचक जीत हासिल की। अब बात करते हैं तीन बार की चैंपियंस रही चेन्नई सुपर किंग्स और सीजन 1 की विजेता रही राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जिसका मैच मंगलवार को शारजा स्टेडियम में होने जा रहा है। आपको बता दें कि सीएसके को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना पारिवारिक कारणों की वजह से इस बार पीली जर्सी में आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी व्यक्तिगत कारणों की वजह से आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा सीएसके को, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस के साथ खेला गया, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल करी। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जिसका वक्त अभी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। विकेट कीपर बैट्समैन जॉश बटलर और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इस बार पहले मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो 16 सितंबर को सीरीज खत्म हुई है, उसके बाद आईपीएल प्लेयर्स विशेष विमान से दुबई पहुंचे। उसके बाद जॉश बटलर को क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ेगा। नतीजा ये कि वो पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की, जो अभी पारिवारिक कारणों की वजह से अपने परिवार के साथ हैं, और क्योंकि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वह अस्वस्थ हैं, तो इस बार वो पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे और ये भी संशय है कि वो आगे आने वाले मुकाबलों में भी नहीं खेलते हुए देख पाएंगे। चलिए अब देखना यह है कि भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे तीन बार की विजेता रही चेन्नई सुपर किंग्स और सीजन 1 की विजेता रही राजस्थान रॉयल्स का मैच जो शारजा स्टेडियम में 7:30 बजे होगा, उसने कौन बाजी मारता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।